ऐसा अपमान, अपनी औलाद बुरी निकले तो। खबरदार, बच्ची के लिए ऐसा नहीं बोलते पुत्र। जिंदगी भर अब मुंह नहीं देखूंगा उसका, मर चुकी हो मेरे लिए। जी आप मतलब? बोल देता हूं बीजी, जिस दिन भी वो मेरे सामने पड़ी, जान से मार डालूंगा उसे, गोली मार दूंगा उसे। खत्म हो गए मेरे लिए सब रिश्ते। सोचूंगा मेरी कोई औलाद थी नहीं, मर गई साहिबा मेरे लिए। साहिबा बीजी, बीजी बीजी की तबीयत भी गिरी गिरी सी रहने लगी। हंसते खेलते घर में मातम सा छा गया। सब मेरी वजह से। मेरा ख्याल है साहिबा कि तू जल्द से जल्द अपने पति को लेकर घर चलिया। दामाद जी का मुंह देखेंगे तो शायद भाई साहब गुस्सा थूक देंगे, वरना तो क्या अनहोनी कर बैठेंगे कोई नहीं कह सकता। सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। पता नहीं क्यों लग रहा है कि सबके होते हुए भी मैं अपने आप को आज अनाथ महसूस कर रही हूं। जिंदगी ने मेरे लिए सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। अपनों के लिए कभी घर के दरवाजे बंद नहीं होते। आप बाऊजी को नहीं जानते। लगता है आप अपने बाऊजी से बहुत डरती हैं। आपको डर नहीं लगता? वेल, हम तो फौजी हैं, ये डर का पार तो हम रोज पार करते हैं। सच्ची बात यह है कि यह पहाड़ जितना बड़ा दिखता है उतना होता नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। आप पूछे कि मैं आपसे यह बात क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि अब आप घर वापस जाएंगे। हाँ, अपने घर वालों को सारी बात ठीक से समझाओगे, जरूर समझ जाएंगे। बाऊजी को समझाने की हिम्मत मैं कहां से लाऊंगी? चलो मैं चलता हूं आपके साथ, आपको घर तक छोड़ने। ये सब आप मेरे लिए किस नाते कर रहे हैं? ओ, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। चलो अगर कहूं कि इंसानियत के नाते कर रहा हूं, चलेगा? तो चले। साहिबा दीदी, साहिबा दीदी आ गई अपने पति के साथ। मेरे सच्चे पाचा, मेरी साहिबा आ गई। आ जा मेरी बच्ची। रुक जाओ। जैसे आई है वैसे ही लौट जाओ उल्टे पाओ, वरना जाएगी आज जान से, कह देता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? साहिबा पहली बार दामाद जी के साथ आई है और आप इस तरह? मैं नहीं मानता, ना मैं इसे ब्याह मानता हूँ, ना इसे बेटी मानता हूँ और ना ही इसे दामाद मानता हूँ। कह दो बीजी, आज से हर रिश्ता खत्म हो गया इसके साथ, अब इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, क्या पानी पर लाठी मार देने से पानी कट के दो में हो जाता है? चल आजा पुत्र, आजा। एक कदम आगे बढ़ा के देख तू, ना गोली मार दूं तो यागवेंद्र गरेवाल नाम नहीं मेरा। चला, मुझ पर गोली चला, बड़ी मर्दानगी दिखाता है ना। ठीक है तो पहले मुझ पर गोली चला। आप बीच में मत आइए बीजी, आप नहीं जानते इस लड़की के लिए क्या क्या सपने देखे थे मैंने, ना मुराद ने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया। तो क्या तू इसकी खुशियों और उम्मीदों पर पानी फेर देगा? हो जाएगा इंसाफ। बड़ा आया, होश की दवा कर, जा काम पे जा, वैसे ही देर हो रही है। अरे यहाँ क्या खड़ी हो, जाके आरती का थाल लाओ। कैसा राजकुमार जैसा दूल्हा चुना है मेरी साहिबा ने, योगी सारे संसार में ढूंढेगा तब भी उसे ऐसा नहीं मिलेगा। भाई साहब आपको देर नहीं हो रही है? गुड लक।
आओ बेटा अंदर आओ। आ चला। स्वीटी दीदी कोई कहेगा कि यह अभी ब्याही दुल्हन है, न गले में मंगलसूत्र, न माथे पे बिंदी, न सिंदूर। अरे मोनिका तू नहीं समझेगी, ये मॉडर्न शादी है। हाँ। कोर्ट में जाके दस्तखत करो शादी, दस्तखत करो तलाक। वो दिन भी दूर नहीं कि दस्तखत करते ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। ओ माय गॉड, रब नु याद ना कर, चल आगे चल। ये अब क्या कर रही है चाची? चुप कर, वो तो ठीक है किसी ने टोका नहीं, वरना एक नई नवेली दुल्हन सूना गला सूनी कलाई अच्छी लगती है क्या? पर मुझे ये सब नहीं भाता। पूरी दुनिया भर की लड़कियां जेवर लाद कर खुश होती हैं, और एक तुम हो जो दो चूड़ियां नहीं पहन सकती। You're beautiful, isn't she करण? करण, तुम्हारे भी बहुत उपकार है हम पर जो साहिबा के साथ चले आए, वरना हमें तो लगा था हम साहिबा को खो चुके हैं। अरे ऐसे कैसे खो देंगे, आइए। इतनी खूबसूरत भतीजी खोने के लिए नहीं पाने के लिए होती है, और वैसे भी अपनी कोई औलाद नहीं, हमने सोचा इसी से काम चला लेते हैं, क्यों? पापा। बेटा तुम्हारे आने की खुशी में एक लवली लवली हो जाए। लवली लवली मतलब एक छोटा सा पेंट। नो रानी, पहली बार दामाद जी आए हैं, एक लवली लवली हो जाने में क्या हर्ज है? आराम करने दो ना, बाद में लवली लवली हो जाएगा। अच्छा तुम्हें थक गई हो। अब बोलो, तुम इन्हें समझाने आए थे ना? कोई बात नहीं, मौका मिलते ही सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, योर लकी गर्ल। कमजोर लग रही हो। करण, तुम्हारे माता पिता? जी नहीं है। मतलब? अनाथ हूँ। ओ, तो मतलब ये कि ना कोई आगा ना पीछा, ना भूतकाल ना भविष्य। कोई कामकाज करते हो या? जी, फौज में कैप्टन। हमारे इस करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस हमारी बेटी साहिबा है, ये तो तुम अच्छी तरह जानते होगे। आपने बताया, मालूम हो गया। ये तो क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है योगी? बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ बीजी। इस लड़के ने मेरी बेटी को सिर्फ दौलत की खातिर फंसाया है। ऐसी बात नहीं है बीजी, बाबूजी गलत समझ रहे हैं। चुप कर, बड़ी पढ़ लिख कर अकलमंद बनने निकली थी, तेरी 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई का यही नतीजा है कि एक आवारा लड़के की चिकनी चोपड़ी बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली? ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबूजी, तुम बोलो ना। वो किस मुंह से बोलेगा, उसकी आंखों में तो करोड़ों का सपना झूल रहा है। आप किसी को जाने बिना उसके बारे में बुरा भला कैसे कह सकते हैं? अगर एक लफ्ज भी और बोला तो। यह अचानक दौलत का गुरूर तेरे दिल में कहां से आ गया योगी? ये बेटी की भलाई का ख्याल है बीजी, जो हर बाप के दिल में आना चाहिए। मैं इस लड़के का यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। भाई साहब, शादी ब्याह कोई रेत पर खींची हुई लकीर तो नहीं कि जब चाहे उसे मिटा दे? पत्थर पे खींची हुई लकीर होगी तो उसे भी मिटा दूंगा। बोल लड़के, अपनी कीमत बोल, बोल। अब बोलता क्यों नहीं? बस कर योगी, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मेरी इन आंखों ने। निभाने वाले और होते हैं, छोड़ के जाने वाले और होते हैं। होंगे, पर ये लड़का एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा, देख लेना। देखने की जरूरत नहीं, रिश्ते ऊपर वाला खुद बनाकर भेजता है। ये क्या बिना वजह मुसीबत मोल ले ली? सच बता देते और छुट्टी पाते। अरे भाई, मौका ही नहीं मिला, तुमने देखा तो सही। इट्स इनफ, तुम आज यहां से चले जाओ। और कल? कल सबको क्या बताओगी? वो तुम्हारा पति कहाँ गायब हो गया? कल की कल देखी जाएगी, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा मार देंगे तो मार दे। अरे अरे अरे, ये अचानक जान लेने देने की बात कहां से आ गई? देखिए, अभी अभी आपकी बीजी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है कि हम साथ निभाने वालों में से हैं, छोड़ के जाने वालों में से नहीं। अरे भाई, कहाँ खींचे लिए जा रही हो? आइए तो सही। क्या है? आज से हम इसी कमरे में सोएंगे। इस कमरे में? अपने कमरे में क्यों नहीं? क्योंकि वो कमरा है ना,
वो साहिबा और दामाद जी को दिया गया है। क्या बेहूदगी है, उनके लिए तो हर कमरा बराबर है, फिर मुझे मेरे ही कमरे से बेदखल क्यों किया जा रहा है? अजी, आज उनकी पहली रात है ना हमारे घर में, तो सबसे अच्छा कमरा उन्हें दिया जाएगा। जैसे कि आप कुछ समझते ही नहीं। नहीं, मैं कुछ नहीं समझता और समझना भी नहीं चाहता। पहले वो लड़का मेरे घर में घुसाता है, फिर मेरे कमरे में घुसाता है, यानी ऊंट तंबू के अंदर और तंबू वाला तंबू के बाहर। वाह, बहुत खूब। हाँ ठीक है, पहली रात है, दे दो दे दो। बहारो फूल बरसाओ, तेरा महबूब आया, तेरा महबूब आया। अरे दरवाजे पे खड़ा होने से काम नहीं चलेगा, अंदर आइए। पर ये सब पहली रात है ना, चल चल चल। शर्मा रहा बेचारा, बहुत शर्मिला टाइप का है। होता होता हमारे साथ भी पहली रात ऐसे ही हुआ था। हाँ। कैसी राम सीता की जोड़ी है, किसी की नजर न लगे। लो बेटा, ये शगुन है, आज पहली रात है ना, मना नहीं करते। लो चल कम्मो। जी बाजी, चल आ। वाकई में क्या लवली लवली जोड़ी है, चल बैठ। मैं तेरे को बताता हूँ कि पहली रात को क्या क्या करते हैं। मैं मर गई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? प्लीज छोटी मामी, आज पहली रात है तो हम जीजा जी और दीदी के साथ सोएंगे। सनी बॉब देखो, यहाँ से मूव करो, नहीं तो मैं पीटूंगी। चलो 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 चलो, सब चलो चलो। कितना पतला है। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जहाँ पे खटिया मिली वहीं पे हम सो लिए। हम हैं राही प्यार के। Shut up my wife. Oh, भाभी। सिमरन, darling, बोतल यहीं ले आओ, आज यहीं बैठेंगे। क्यों? आज पहली रात है भाई। भाई सब ठीक कह रहे हैं, यही महफिल जमेगी, यही हम सब लोग लवली लवली करेंगे। खुला खाएंगे, खुला पिएंगे और खुले पैर फैला के सो जाएंगे। अरे तुम लोग कब समझोगे, ये कब करेंगे आराम और कब करेंगे अपना प्रोग्राम। क्या बात है साली साहब, अरे प्रोग्राम है तो फिर बैठ जाएंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये क्या, शुरू करो प्रोग्राम। आई लव यू, आई लव यू फॉर दिस, आई लव यू, माय प्रोग्राम इज। चलो चलो वाइफ अपना भी। अरे इसको ले चल, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे तुम भी चले और तुसी बैठे रहोगे, तुसी भी करो अपना प्रोग्राम। चलो उठो, चलो चलो बच्चों, चलो सोने, चलो चलो। कमाल के हैं, पागल है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, लाइए, मेहमान हैं आप यहीं पर सोइए। सुन जवा जवा तेरे लिए, छुआरी वाला तू थे, एक ही सांस में गटक जाना शक्तिया लड़का होगा। हाँ। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या करी, चल यहाँ बैठना अपने हीरो के साथ। क्या गुजरेगी इन पर जब कल मैं इन्हें बता दूंगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता, आई मीन वैसा कुछ है नहीं। कल बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।